ये देखते हैं एक अहम खबर। जिस तरह से दौसा के बगडेदा मिडिल स्कूल में बरसाती कीड़ों ने स्कूल पर कब्जा कर लिया है। स्कूल पहुंचे बच्चे और शिक्षक कीड़ों को देखकर हैरान रह गए। खेल मैदान, कमरों, स्टाफ रूम, स्कूल परिसर में हर जगह कीड़े दिखाई दिए। स्कूल प्रशासन ने बच्चों को स्कूल में आने से रोककर अधिकारियों को सूचना दी। तो देखिए, ये तस्वीरें जरूर आपको विचलित कर देगी, लेकिन स्कूल की एक तस्वीर है। चूंकि बारिश का मौसम है, मानसून सीजन है, तो ऐसे में बरसाती कीड़ों का निकलना लाजमी है। लेकिन एक स्कूल में पूरा कीड़ों का जो जमावड़ा लग गया, हालांकि उसके बाद इत्तला यहां पर प्रशासन को किया गया। बरसाती कीड़े पूरे स्कूल पर जब कब्जा जमा बैठे थे, हालांकि अब इसके बाद जब इत्तला कर दिया गया है तो ज़रूर वहां पर छिड़काव किया जाएगा और उसके बाद इसको साफ किया जाएगा। लेकिन तस्वीरों में साफ तौर पर आप देख सकते हैं कि किस कदर वहाँ पर कीड़ों का जमावड़ा लग गया। बगडेदा मिडिल स्कूल है जहां पर यह मामला सामने आया, और जब सुबह स्कूल में शिक्षक पहुंचे, बच्चे पहुंचे, तो ये देखकर होश फाकता हो गए। हालांकि तुरंत सूचना अधिकारियों को दे दी गई और जिसके बाद अधिकारियों ने हरकत में आते हुए शिक्षकों और बच्चों को स्कूल में आने से रोक दिया है और अब एक्शन लिया जा रहा है। दरअसल बरसात का मौसम है और ऐसे में यहाँ इतनी बड़ी तादाद में कीड़े निकल आए हैं, जिसको देखकर हर कोई हैरान है। आसपास के लोग भी यहां पहुंची और तुरंत प्रशासन को इसकी सूचना दी गई। बिल्कुल, और दिव्या, शायद यहां पर पेस्ट कंट्रोल अब किया जाए, क्योंकि स्कूल आप कब तक यहां पर बंद रखेंगे, और चूंकि ये सीजन अब लगातार चलने भी वाला है, तो ऐसे में जरूरी नहीं है कि आज ही कल को फिर से यहां पर कीड़ों का आना। हो सकता है कीड़े वहां पर फिर से बरसात और ऐसे आ जाए, तो इसको लेकर प्रशासन की तरफ से हालांकि अब क्या किया जाता है, पेस्ट कंट्रोल यहाँ पर करवाया जाता है ताकि बच्चों को किसी तरह की कोई तकलीफ ना हो। अक्सर देखा भी जाता है कि बरसाती कीड़े कई बार काट लेने से कई तरह की प्रॉब्लम्स भी लोगों को हो जाती है, तो ऐसे में एहतियात जरूर वहां पर बरता जाएगा। और इसी खबर पर और ज्यादा बातचीत के लिए इस वक्त हमारे संवाददाता लक्ष्मीकांत हमारे साथ जुड़े हुए हैं। लक्ष्मीकांत, अब अधिकारियों ने इस स्कूल को अपने कब्जे में ले लिया है, किस तरीके का आगे एक्शन लेने की तैयारी? देखिए, बिल्कुल बता देना चाहता हूँ कि जो कीड़ों की तादाद है वो इतनी अधिक है कि स्कूल में बच्चों को बैठने के लिए और स्टाफ को भी अंदर प्रवेश के लिए कोई स्थान नहीं बचा है। क्योंकि ये कीड़े काफी जहरीले हो सकते हैं और बरसात के दौरान जिस तरह से इनकी संख्या लगातार बढ़ती जा रही है, तो निश्चित रूप से पहली बात तो ये है कि स्कूल के जो बालक हैं उनकी छुट्टी करनी पड़ी, स्टाफ को भी स्कूल से बाहर रखा गया है और अधिकारियों को ये सूचना दे दी गई है कि भाई इस तरह का ये घटनाक्रम जो है स्कूल के अंदर हुआ है। मैं आपको बता दूं कि ये जो कीड़े हैं वो वाकई पॉइजनस्ड होते हैं, काफी जहरीले होते हैं। यदि बच्चों पर कोई भी बच्चों के शरीर से स्पर्श भी करते हैं तो ये काफी नुकसान पहुंचा सकते हैं, तो एहतियात के तौर पर बच्चों को स्कूल की बाउंड्री से दूर बिल्कुल रखा गया है। और सबसे अहम बात यह कि स्कूल की बाउंड्री, खेल मैदान और कमरे, इवन दीवारों पर भी ये कीड़े करोड़ों की संख्या में, बहुत बड़ी संख्या में ये स्कूल में घुस चुके हैं। बिल्कुल लक्ष्मीकांत, इसको लेकर अब आगे क्या किया जा रहा है? क्या कोई पेस्ट कंट्रोल करने की तैयारी है या फिर किसी और तरीके से इसको साफ किया जाएगा? क्योंकि स्कूल को कब तक आप बंद रखेंगे, और ये चूंकि मानसून का सीजन है तो लगातार इस तरह के कीड़ों के निकलने का सिलसिला भी बदस्तूर जारी रहेगा। देखिए, बिल्कुल इसका कोई ना कोई प्रिकॉशन जो अधिकारी हैं उनको लेना पड़ेगा। अधिकारियों को, शिक्षकों ने जो इन्फॉर्मेशन दी उसके आधार पर वो भी प्रयास में लगे हैं कि इन कीड़ों से किस तरह से मुक्ति पाई जा सकती है, स्कूल को किस तरह से वापस चलाया जा सकता है। लेकिन चूंकि ग्रामीण स्कूल है, आसपास में जो खेत होते हैं और वो खेत जो होते हैं इन कीड़ों का बहुत बड़ा एक केंद्र होता है, बिल्कुल, तो निश्चित रूप से ये एक बड़ी समस्या के रूप में उभर करके आया है। हर बार होता है ऐसा? नहीं, जो ग्रामीण क्षेत्र के स्कूल है इस तरह का जो घटनाक्रम है वो पहली बार देखने को मिला है। जबकि अमूमन कीड़स छोटी संख्या में या कीड़े मकोड़े घूमना बरसात में आम बात होती है, लेकिन इतने बड़े पैमाने पर एक स्कूल पर, एक स्कूल के पूरे कैंपस पर कीड़ों का हमला बोलना काफी अलग हटकर है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आपका लक्ष्मीकांत इस जानकारी के लिए। तो तस्वीरें आप देख सकते हैं, इतनी बड़ी संख्या में ये बरसाती कीड़े यहाँ निकले हैं और ये भी बताया जा रहा है कि जहरीले हो सकते हैं कीड़े, जो कि बच्चों को भी नुकसान पहुंचा सकते थे। हालांकि जैसे ही इतनी संख्या में जब इन कीड़ों को देखा तो उसके बाद तुरंत इत्तला अधिकारियों को की गई और अधिकारी ने अब इसे अपने कब्जे में ले लिया है और आगे सोच विचार किया जा रहा है कि कैसे इन कीड़ों की सफाई की जाए। तो वाकई अब ये टास्क है प्रशासन के लिए भी, किस तरह से स्कूल को फिर से
शुरू किया जाए, क्योंकि अब जबकि कीड़ों की संख्या इतनी ज़्यादा है तो स्कूल में बच्चे जा नहीं सकते, शिक्षक जा नहीं सकते, तो ऐसे में एक से दो दिन में किस तरह से इसको कंट्रोल में किया जाए और क्या इसके लिए इंतज़ाम किया जाए, ये ज़रूर वहाँ पर सोचा जा रहा है।